परवीन जी क्या कहना चाहेंगे, पटाखे नहीं दिए जलाएंगे? देखो राहुल जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पटाखे अब की बार इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि इतना पॉल्यूशन और बच्चों में हादसे भी हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने ये एक मुहिम जो निकाली है कि अब की बार पटाखे नहीं दिए जलाएंगे हम। दिए से एक तो हमारा वातावरण जो शुद्ध होता है और हमें पॉल्यूशन में भी बहुत राहत मिलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार पटाखे नहीं दिए जलाए जाएँ। कहीं ना कहीं ये जो पराली जलाते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पराली से अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने खाद बनाने की जो स्कीम जो उनके जो बनाई थी वो सक्सेसफुल हुई है और उससे भी बहुत जो प्रभाव पड़ा है। और हम पटाखे नहीं जलाएंगे, जो जो हमारे यहाँ 2-3 महीने में इतना पॉल्यूशन होता है वो एक दिन में हम पटाखे जला के जो कर देते हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि अभी बार पटाखे नहीं दिए जलाएं। कहीं ना कहीं पैसे की भी जो फिजूल खर्ची होती है उसमें भी रोकता हूँ। बिल्कुल, देखो ये एक तरह की हम कह सकते हैं पैसों में ही आग लगाना हो गया जी। भाई स्वास्थ्य भी हमारा जो ख़राब होता है, पैसे भी ख़राब होते हैं। इस पैसे से किसी गरीब बच्चे का या आप गरीब जो होता है उनको खाना दें और उनकी सहायता करें, मैं तो जो मेरे तो आपसे यही मानना है। वही दिल्ली के अंदर डेंगू भी बढ़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जो डेंगू बढ़ा हुआ है उसके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फॉगिंग की वो मतलब योजना चलाई है। हमारे अभी परसों क्षेत्रीय विधायक श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, उनकी अगुवाई में हमने सब जगह जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब ने फॉगिंग करी है और हम डेली अपने क्षेत्र में फॉगिंग का हमने बीड़ा उठाया हुआ है और हम चाहते हैं इसे 2-4-5 दिन में जैसे भी हम डेंगू को समाप्त करने में सफल होंगे। वही परवीन जी, देखने में आ रहा है कि कोरोना फिर से कहीं वापसी आ रहा है, तो आपने अभी हाल ही में सैनिटाइजर मास्क भी बांटे हैं, पब्लिक को क्या कहेंगे? देखो त्यौहार हैं, त्यौहारों पे ना भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, मार्केटिंग करनी होती है लोगों को, तो मैं अपने सभी भाई बहनों से यही जो अपील करूँगा कि सैनिटाइज और मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करें और अपने अपने साथियों को भी सबको बताएं कि भीड़ में थोड़ा कम जाएं, अपने घरों पे ही ज़्यादा रहें, ज़रूरतमंद जो सामान है उसी को लेने जाएं, एक साथ जत्था बना के ना जाएं।